रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की समीक्षा बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते रहते हैं। 22 जनवरी तक भूतल का कार्य पूरा करने को लेकर समीक्षा की गई है। 31 दिसंबर तक फर्श, खम्भों पर मूर्ति कार्य, गर्भगृह, बिजली, दरवाजे, फैसिलिटी सेंटर, लॉकर निर्माण कार्य, सड़क के इत्यादि को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि परकोटे की पूर्वी दिशा जहां से तीर्थयात्री प्रवेश करेंगे उसका अधिकतर हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। फर्श का कार्य 40% पूरा हो चुका है। फर्श का काम पूरा होने के बाद लाइटिंग का काम शुरू किया जाएगा। खंभे में कलाकृति दिखाई दे इसके लिए अच्छी प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। परकोटे के ग्राउंड फ्लोर का कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं मंदिर के अंदर लगने वाले 14 दरवाजे बनकर तैयार हैं, जिनके फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। दूसरी मंजिल का कार्य प्रगति पर है। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा ने आगे कहा कि रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के दिन विशेष प्रकार के दीपक से राम मंदिर प्रकाशित होगा। निर्माणाधीन परकोटे को भी प्रकाशित किया जाएगा। राम मंदिर फूलों से सजा हुआ नजर आएगा। दर्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले 100 मीटर मुख्य मार्ग पर विशेष सजावट की जाएगी। तो वो दीपक लगाए जाएंगे, प्रकाश की व्यवस्था होगी, फूलों से सज्जा होगी। ये केवल जो निर्माणाधीन मंदिर है वहीं नहीं होगी, परकोटे का जो हिस्सा बन गया है वहाँ भी होगी। आने वाला जो दर्शन मार्ग 100 मीटर का उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनवाया है, उस पर भी हम सज्जा करेंगे। जहाँ प्रवेश है वहाँ भव्य दिव्य द्वार